पाएगी या फिर एक इंटरटेनिंग मूवी होगी। आप सब नमस्कार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं तो माँ का ही बोली जाती हूँ, इसलिए मैं इधर का ही और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे गोयल जी के साथ काम करने के लिए। जिस फिल्म के जो हमारी महिला प्रोड्यूसर हैं प्रगति सिंह जी, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला प्रोड्यूसर आ रही है हमारी इंडस्ट्री में। और हाँ, जैसे कि ब्रज जी बहुत सारे लोगों को शुरुआत में मौका देते हैं, जैसे कि मुझे भी, मैं भी जब इंडस्ट्री में आई थी तो फर्स्ट मूवी में ब्रज जी के साथ की थी और देखिए ब्रज जी का आशीर्वाद मिला और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है, कम है। तो इसमें भी ब्रज सर दो बच्चों को मौका दे रहे हैं, एक है जो हमारे हीरो हैं भरत गांधी और जोया खान जो हमारी हीरोइन है इस फिल्म के, तो मैं भरत जी की मदर का रोल कर रही हूँ। और अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, हमारी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जब भी रिलीज हो तो आप सब जरूर देखिए। तो माया जी, आपकी इस फिल्म में दो जो नए किरदार जो है एक्टर और एक्ट्रेस वो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके साथ आप कितना कम्फर्टेबली काम कर पा रही हैं क्योंकि वो नए हैं और एक जो हीरो है वो हरियाणा से, उनको भोजपुरी भी फिल्म है जी। बहुत ही प्यारा बच्चा है भरत गांधी जो हमारा हीरो है, इतना क्यूट है और इतना मतलब संस्कारिक लग रहा है ये लड़का। अभी जस्ट उसके साथ सीन हुआ है मेरा और इतना अच्छा बोल पा रहा है भोजपुरी, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब हरियाणा से ये बच्चा आया है हमारी इंडस्ट्री में, तो मैं भरत बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, वेलकम करूंगी हमारी इंडस्ट्री में कि ये बहुत बड़े स्टार बने हमारी इंडस्ट्री में। वैसे तो बहुत सारे हीरो लोग की शुरुआती तौर पर मैं मदर का रोल की हूँ, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव स्टोरी की बहुत सारी फिल्में लोगों के बीच आ चुकी हैं, लेकिन जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया तो इस स्क्रिप्ट में ऐसी क्या आपको खास लगी और दूसरे फिल्मों से क्या डिफरेंट लगा कि आपको लगा आपको ये फिल्म करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि जब भी ब्रज जी फिल्म बनाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करते हैं, तो इसके लिए मैं फिर एक बार ब्रज जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि ये हमेशा मुझे याद किए। हाँ, मतलब डेट के वजह से अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, और मैं भी चाहती हूँ कि सारी चीज़ों को अलग करते हुए मैं सबसे पहले ब्रज जी के साथ काम करूँ। ये जब सुनाए सर मुझे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बताया कि ये एकदम टीनेजर मतलब बच्चों की कहानी है, तो मैं कहानी अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको थिएटर तक जाना होगा। मतलब ये फिल्म जब रिलीज होगी तो आप देखिएगा कि कितना नयापन है। थैंक यू।